सावरकर बनना राहुल काशिश की है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से अभी वीर सावरकर की पिक्चर भी रिलीज होने वाली है, उसके पहले काफी अलग अलग गुटों में लोग बढ़ गए हैं। कुछ लोग सावरकर को माफीनामे की वजह से कायर बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं वीर सावरकर की जय। राहुल गांधी ने भी बयान दिया था, मैं सावरकर नहीं बनूंगा, इस तरीके से देख रहे हैं देश में। तो सर, उन्होंने पहले माफिया मांगी थी तब वो सावरकर थे, और सावरकर बनना राहुल गांधी के बस की तो है भी नहीं, वो बन भी नहीं सकते हैं सावरकर। सावरकर बनने के लिए त्याग चाहिए, सावरकर बनने के लिए तपस्या चाहिए, सावरकर बनने के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, परिवार प्रथम नहीं होना चाहिए। सावरकर एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर सावरकर की नीतियों पे चलते तो 35 साल पहले देश आजाद हो गया रहता। सावरकर एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी, काला पानी, 2 जन्मों की कारावास की सजा मिली थी। बताइए कांग्रेस का किस बड़े नेता को ऐसी सजा मिली? कांग्रेसी तो कहते हैं नेहरू जी भी जेल में थे, 1000 दिन से ऊपर, 2000 दिन जेल में थे। उस तरीके से थे कि वो लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत खास थे, तो उनको वहां लिखने के लिए किताब दी जाती थी, उनके वहां पर सभी सुविधाएं होती थी। क्या राहुल नेहरू जी ने माफीनामा लिख करके नहीं दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया था? और ये तो ये जितने कांग्रेसी थे ये शुरुआत से ही रहे अंग्रेजों की। जिस काला पानी की सजा वीर सावरकर जी ने भोगी है उसमें एक दिन रह करके दिखा दे राहुल गांधी, बहुत बड़ी बात करते हैं। तो आप एकमात्र कांग्रेस के नेता रहे लाला लाजपत राय, जिन्हें जो अंग्रेजों की लाठी खाई है, नहीं तो मुझे बताइए ना, गांधी को का नाम लेते रहते हैं, गांधी का बताइए क्या किया गांधी ने? चरखे से आजादी मिली है क्या? चरखे से आजादी नहीं मिली है, चरखे से कभी आजादी मिल भी नहीं सकती थी। वीर सावरकर के खौफ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खौफ की वजह से, आजाद हिंद फौज की वजह से ही आजादी मिली थी। नेताजी की बात की आपने, बात की कि नेताजी का खौफ हो, चाहे वो वीर सावरकर की बात हो, भगत सिंह की भी बात करते हैं, क्या लगता है इतिहास के पन्नों में जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो जिन्होंने देश के लिए सच में आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया, चाहे वो पिछली सरकारों द्वारा हो या फिर कई इतिहासकारों द्वारा हो, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि देश तो अपने ही था, अपने देश के लोग थे। सर, सबसे बड़ी समस्या ये रही, जब देश का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना होगा ना तो महाराणा प्रताप महान नहीं पढ़ने को मिलेगा, चंद्रशेखर आजाद महान पढ़ने को नहीं मिलेगा, बाबर और अकबर ही महान पढ़ने को मिलेगा। समस्या यहाँ है। और दूसरा, भारत एकमात्र देश ऐसा है जो अपने लिखे हुए इतिहास पर भरोसा नहीं करता है, गुलामी के लिखे हुए इतिहास पर भरोसा करता है, तो उसे परिवर्तित करना होगा, लोगों को हकीकत से रूबरू कराना होगा। वीर सावरकर ने जितना देश के लिए किया, नेहरू गांधी परिवार तो 7 जन्म भी ले लेगा तो भी नहीं कर सकता। अच्छा, आपने बात की नेहरू गांधी की, तो नेहरू जी भी तो प्रधानमंत्री चुनकर नहीं आए थे। नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने ही नकार दिया था, 14 में से एक भी वोट, 0 वोट पाने वाला, गांधी की अनुकंपा से प्रधानमंत्री बनने वाला। आज के समय में कहा जाता है ईवीएम हैक हो गई थी क्या उस समय ईवीएम हैक, उस समय देश को हैक कर लिया गया था। और ये ईवीएम की बात करते, ईवीएम तो हैक नहीं हो सकती है, ये भूल जाते हैं कि जब वैलेट पेपर से होता था चुनाव तो बूथ कैप्चरिंग जरूर होती थी, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था, जो पार्टियों के गुंडे होते थे खुद ही वॉलेट पेपर पे स्टंप मारते थे और लोगों से कहते थे आप यहाँ से जाइए, आपको अधिकार नहीं है वोट डालने। जब भगत सिंह को भी कई लोगों ने किताबों में लिखा आतंकवादी घोषित कर दिया। सर, किसी कई लोगों ने नहीं, इस देश के तथाकथित कुछ लोगों के राष्ट्रपिता, कुछ लोगों के, सभी के लिए नहीं, तथाकथित राष्ट्रपिता ने ही लिखा था कि भगत सिंह आतंकवादी। महात्मा गांधी क्या बात कर, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। एक चुताइए, भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया जा सकता था, सुखदेव को फांसी से नहीं बचाया जा सकता था क्या? गांधी इरविन पैक्ट भी बताया कि गांधी जी ने इरविन से, लॉर्ड इरविन से बात की थी, पर उसमें कुछ समझौता नहीं बैठ पाया। और यहाँ की ये भी कहा जा रहा है भगत सिंह खुद तैयार नहीं थे कि मुझे फांसी माफ की जाए मेरी। भगत सिंह जी माफीनामा मांग करके अपनी फांसी नहीं बचाना चाहते थे, उनका कहना यह था कि आप ब्रिटिश सरकार से माफी मांग लीजिए। तो माफी मांग किस लिए मांग लें? अपने हक को छोड़ दें, इस बात की माफी मांग दें? और राहुल गांधी ने कितनों से माफी नहीं मांगी है, या केजरीवाल जी ने कितनों से माफी नहीं मांगी है? ये वीर सावरकर की बात करते हैं, वीर सावरकर ने को इंदिरा गांधी, या तो ये अपनी दादी से बड़े राजनीतिज्ञ हैं या समझदार हैं, इनकी दादी ने ही वीर सावरकर पे डाक टिकट जारी किया था, तो ये किस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं?
क्या लगता है आने वाले युवाओं को सावरकर, जैसे मैंने देखा अभी मैंने काफी लोगों से बात करने की कोशिश की, किसी को वीर सावरकर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, क्या लगता है किस तरीके से लोगों तक पहुंचानी चाहिए बात? सर, समस्या ये नहीं है कि वीर सावरकर को कोई नहीं जानता, समस्या ये है कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने जो आजादी की लड़ाई में शामिल भी नहीं थे, जो चाटुकारिता करते रहे, आजादी के बाद ताज उन्हें मिल गया और ये हुआ कि हम ही सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, तो ये चीज है, ये समस्या रही है देश के अंदर में। फिल्म आ रही है, क्या लगता है ये एक बेहतर माध्यम है? जैसे हमने देखा अभी आने वाले समय में 370 के ऊपर भी फिल्म आई, कश्मीर फाइल्स आई, केरला स्टोरी आई, एक जागरूकता पड़ी लोगों में समाज में कि उस सब्जेक्ट के प्रति भी लोग जानने के लिए रुचि रखने लगे। क्या लगता है मूवी के थ्रू एक ऑडियंस को केटर किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, उनको जानकारी दी जा सकती है? देखिए, सिनेमा पहली चीज तो भारतीय जो सिनेमा है, बॉलीवुड जिसे कहते हैं, बॉलीवुड में काफी टाइम से एक ट्रेंड चल रहा था कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ चलना। अब कुछ फिल्मकारों ने उसको बदलने की कोशिश की है, चाहे आप कश्मीर फाइल्स को ले लीजिए, विवेक अग्निहोत्री जी, केरला स्टोरी को ले लीजिए, उसके अलावा 370 को ले लीजिए, बहुत सारी फिल्में आई जिसने भारत की, पृथ्वीराज चौहान पर आई, बहुत सारी आई, तो उनको सभी को ये जो फिल्में होती हैं वो आईना होती हैं जो समाज को दिशा और दशा देने का कार्य करती है। जी, कौन से लोग हैं जब आर्टिकल 370 आती है तब उनको दिक्कत होती है, कश्मीर फाइल्स आती है तब उनको दिक्कत होती है, केरला स्टोरी आती है तब उनको दिक्कत होती है, अब वीर सावरकर के ऊपर पिक्चर आ रही है तब उनको दिक्कत हो रही है, क्या समस्या आ गई है इस देश में इस तरह की? समस्या सर कुछ नहीं है, समस्या सिर्फ एक ही है, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण। इन्हें इनका जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आता है, चाहे केरला स्टोरी से हो, एक्चुअली इन्हें आतंकवाद का जो नाम लेने से डरता हो, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, मगर जब पकड़ा जाता है व्यक्ति तो एक ही धर्म से होता है, तो वो उसका नाम नहीं ले सकते हैं, उसका नाम नहीं ले सकते हैं, बट क्या है कि जो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तुष्टिकरण के लिए उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ये समस्या है विपक्ष के साथ। आज के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो आने वाली पिक्चर वीर सावरकर के ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे उनसे एक बार बताइए कि क्यों देखनी चाहिए वो मूवी लोगों को? अगर आज के युवा को अपने अतीत में जाना है, अपने देश की आजादी के अतीत में जाना है और आज उसके बारे में जानना है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जानना है कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों से गुजर करके अपने देश को आजाद कराने के लिए किन किन समस्याओं को, किन शारीरिक कष्टों को भोगा है, तो आपको इस आजादी का महत्व को पता लगेगा। इसलिए मैं अपील करूंगा सभी से कि जाएं और वीर सावरकर पे जो मूवी आई है उसको जरूर देखें। अंत में ये भी बता दीजिए कि जो लोग मना कर रहे हैं पिक्चर देखने से, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनके लिए भी दो शब्द कह दीजिए। सर बॉयकॉट एक चीज आई है, ये तो सीए का भी बॉयकॉट करते हैं, ये एनआरसी का भी बॉयकॉट करते हैं, ये 370 का भी बॉयकॉट करते हैं, जो जो भी चीज देश के हित में होती है, विपक्ष आज के समय में तुष्टिकरण में इस तरीके से लिप्त हो चुका है, चरम पे जा चुका है कि उन्हें अगर खुद के भाई का भी विरोध करना हो तो वो उसका भी विरोध करेंगे, चाहे वो सही क्यों ना हो, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो दूसरे उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, उनके पास कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन ना होना अज्ञानता का कारण है और जिसकी वजह से वो विरोध करते हैं। आपने देखा किस तरीके से वीर सावरकर की जो मूवी आने वाली है उस पर बात की गई और तमाम जो इतिहास में बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई, किस तरीके से माना गया कि एक जो राजनीतिक मकसद था ध्रुवीकरण की राजनीति करना हो, चाहे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना हो, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुष हैं उनकी कहानियों को छुपाने की कोशिश की गई है, पर आज जब फिल्मों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से वो कहानियां घर घर तक, जन जन तक पहुंच रही हैं, तो किस तरीके से हमें उसका समर्थन करना चाहिए और बड़ी से बड़ी तादाद में जाकर ऐसी पिक्चरें देखनी चाहिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।